I am Surbhi Sharma, Government Degree College, Sidhara. 10 days awareness program against drug abuse. हम 10 days against drug abuse के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं. ये प्रोग्राम हमने कई जगह पर किया है, सिदड़ा बजालता में किया है और आज हम यहाँ पे आए हैं. हम ये कहना चाहेंगे कि हम सबको ड्रग से है दूर रहना, हमें अपने बाहर को स्वस्थ बनाना है. हाँ होंगे, इसे अवेयर होंगे ना लोग. सर मेरा नाम अंबिका शर्मा है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिद्धड़ा की स्टूडेंट हूँ, सैम फर्स्ट की. तो मतलब हमें ड्रग्स नहीं करनी चाहिए. मतलब कुछ बच्चे डिप्रेशन में जाकर ड्रग्स वगैरह कर लेते हैं. हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए. कुछ भी टेंशन हो तो नहीं लेनी चाहिए. जी मैं दीपा काक, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिदरा से हूँ और आज हम यहाँ पर नशा मुक्त भारत अभियान की जो कैंपेन हमारे कॉलेज ने चलाई है उसके तहत हम यहाँ पर नुक्कड़ नाटक प्रेजेंट करने आए हैं. हमारे कॉलेज में ये सितंबर के महीने से ये कैंपेन चल रही है जिसके तहत हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं कॉलेज में, कॉलेज के बाहर करवाई हुई है. तो आज हम बाहर पब्लिक प्लेस पर आए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना ये मैसेज जो ड्रग अब्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम सोसाइटी में हो रही है वो अपने लोगों को जो है वो कन्वे कर सकें ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे और इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक हम पहुंच पाए. अब बेरोज़गारी भी मतलब प्रॉब्लम्स तो शुरू से ही हमारी सोसाइटी में थी. अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स की वजह से हम नशे में चले जाएं, ठीक है. लेकिन बहुत सारा अब आजकल हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया हुआ है. हमारा रहने सहने का मतलब हम पहले जैसे फैमिली में सारे एक साथ बैठते थे लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से भी हम एक दूसरे से अलग थलग रहने लग गए. हमारा फ्रेंड सर्कल वैसा होता है जिसकी वजह से हम गलत गलत चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है भी बट इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि हम ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाए. हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये तो हमें कुछ देर के लिए चीज़ों को भूलने में मदद करेगा और अल्टीमेटली हमारी जान ले लेगा जिसका फ़ायदा ना हमें है ना हमारी सोसाइटी को है. तो मैं यही मानती हूँ कि हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से, सबसे हमें मिल सकता है. पर हम बात करें तभी ये पॉसिबल होगा. मुझे लग रहा है कि हर डिग्री हमारा ही नहीं, हर कोई कॉलेज के यूनिट्स, एनएसएस यूनिट्स जो हैं वो इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो समाज में ये सोशल इविल को हमें कैसे ख़त्म करना है उसके ऊपर हम काम कर सकें. ज़रूर है और हम चाहेंगे कि इन बच्चों की मेहनत रंग लाए और हमारा युवा जो है इन गलत चीज़ों से निकल के कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें.